सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण अध्याय 4 संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, दिए गए इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ तुम लोगों को कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है? इस चित्र में, चित्र के कमरे में बहुत सारी चीजें हैं। सब चीजों के अलग अलग नाम हैं। यही नाम या शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम कई तरह के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। यहाँ पर देखो, मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, ये सब व्यक्तियों के नाम है। उसके बाद है पशु पक्षियों के नाम, मोर, गाय, कुत्ता, तोता, मछली। जगहों अथवा स्थानों के नाम, दिल्ली, कुतुब मीनार, स्कूल, रेलवे स्टेशन, जापान। वस्तुओं के नाम, जैसे चकला, बेलन, गिलास, मोबाइल, कार, किताब, कॉपी, यह सब वस्तुओं के नाम है। इनके अलावा भी कुछ नाम है जिसे हम संज्ञा कहलाते हैं, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इतवार, रविवार या इतवार, यह सब दिनों के नाम है। वैसे महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक, सारे महीनों के नाम। पहाड़ों के नाम, बहुत सारे पहाड़ है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ नाम है हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, यह सब पहाड़ों के नाम है। यह सारे संज्ञा शब्द है। उसके बाद नदियों के नाम, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, यह सब नदियों के नाम, यह भी संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तु, स्थान आदि, भाव, जो तुम भाव के बारे में बाद में जानोगे। आज हम क्या जाने, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा शब्द मतलब नाम वाले शब्दों को कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि आपने क्या क्या सीखा। सभी का कोई ना कोई नाम होता है। नाम वाले सभी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाम कई तरह के होते हैं, जैसे व्यक्ति, पशु पक्षी, जगह, महीने, फूल, पर्वत, नदी आदि के नाम। तो संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज इतना तक ही। अगले कक्षा में हम और नई कुछ जानेंगे। धन्यवाद।